वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और आज मैं इवनिंग में ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे और हिमांशु को जाना है पेटीएम केवाईसी के काम से, और मतलब हमारी ना यार केवाईसी नहीं हो रही तो उस काम से भी हमें जाना है। तो हिमांशु तो चला गया नीचे और मैंने कहा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और गाइज हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर का गोल है, तो गाइज जल्दी से उसे अचीव कराइए ताकि मैं वो स्पेशल वीडियो लेके आ पाऊँ जो लेके आना चाहती हूँ। तो गाइज अभी चलते हैं फटाफट से और दिखाती हूँ आपको अभी का मौसम, एंड देन होता है काम नहीं होता ये भी दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। ओके चलो अब निकलते हैं। सॉरी हाथ से जाता हूँ अपने भाग के लिए फटाफट से। तो यहाँ गए हम बाहर और बाहर बज रहे ढोल, किसी की शादी होती है। गाइज हम दोनों भाई बहन आ तो गए हैं, पता नहीं काम होगा नहीं होगा, तो चलते नहीं हुआ हमारा काम। और पुतली देख लो इसकी, हंसी देख लो जरा इसकी, हमारा काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केवाईसी बंद कर रखी है, अरे खोल दो पेटीएम वालों हमें कुछ कर ले। तो गाइज अभी चलते हैं पार्क, थोड़ी देर घूमते हैं। गाइज पार्क आ गए हम, दूध देख लो उसकी, काम नहीं होता तो ऐसी दूध हो जाती है। और अब थोड़ी देर घूमते हैं देन फिर चले जाएंगे घर। दिखाते हो अपना, इतनी भीड़ होती है आज, भीड़ देख लो। अभी हम आए हैं मोमोज खाने, मोमोज नहीं मतलब स्प्रिंग रोल, काफ़ी दिन हो गए थे तो सोचा था आज हिमांशु खिला रहा है। अरे इधर आ, हिमांशु दे रहा पैसे, यही है अमीर हम सब में से इस फिलहाल। तो अभी बन रहे हैं, बन जाएंगे तब लेके चलेंगे एंड देन फिर वहाँ खाएंगे, ठीक है। तो हमने ये ले लिए हैं स्प्रिंग रोल एंड देन अब हम जा रहे हैं घर पर। तो घर पर जाएंगे और उसको खाएँगे और फिर डिनर देखते हैं करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी से चलते हैं, यानी हम घर आ चुके हैं और अब हम करते हैं इनको ओपन और खाते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से ओपन कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, अरे कल वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं गई हुई थी, मतलब हिमांशु के साथ गई थी ना मैं वहाँ पे फ़ोन पे और गूगल पे KYC करवाने, पेटीएम सॉरी गूगल कह रही हूँ, पेटीएम की KYC कराने। तो पेटीएम की KYC वो लोग ले ही नहीं रहे पेटीएम वाले, हमारा एज यूजल क्या बोलूँ। तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, फिर मैंने लंच करके मैं सो गई थी गाइस, मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया था। सो अब मैं ब्लॉग दोबारा से अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम मतलब क्या बोलने वाली थी, आज मैंने फर्स्ट टाइम भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी, बट हाँ तो मैं क्या थी, सुबह का टाइम है गाइस, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद आगे बातें कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हो चुका है और एक और कुछ खबरें बताऊं आप लोगों को, फाइनली गाइस फोन पे पे हमारी वो KYC हो गई है। पेटीएम वॉलेट होता है ना जैसे, ऐसे फ़ोन पे का जो वॉलेट होता है वो एक्टिवेट हो गया है फाइनली। भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है, फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी मतलब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए ना गाइस, तो अच्छा लग रहा है मुझे फ़ोन पे पे हमारी वॉलेट हो गई। बहुत बड़ी बात नहीं है बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जो घर है उनमें से जो हमारी फैमिली है, सिर्फ हमारी ननिहाल वाली नहीं, हमारी जो फैमिली है उनमें से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज़ नहीं करता, मैं करती हूँ ऑनलाइन। सो तो मुझे बहुत खुशी है फाइनली हमारी हो चुकी है, मेरे को बहुत खुशी हो रही है यार। बस सबको पैसे डालने वाला चाहिए उसके अंदर, पैसे डालते रहो मेरे अकाउंट में। सो हैप्पी। और दूसरी बात बताऊँ, कल हिमांशु लेट आया स्कूल से, मैंने पूछा कहाँ था, कह रहा कल ना भंडारा लग रहा था। आपको याद होगा सावन चल रहा है, तो सावन में ना भंडारा लगता है जब कांवड़िया होता है उनके लिए, तो आई लव भंडारा लवर। ओके कोई अब मुझे कुछ भी कह ले, ठीक है, बट मैं बहुत प्यार करती हूँ भंडारे से, जो भंडारे की सब्जी रोटी होती है ना गाइस, आई लव इट। मैं सब कुछ, मैं दुनिया का महंगे से महंगा खाना छोड़ सकती हूँ उस प्रसाद के लिए, पता नहीं वो प्रसाद से मुझे बचपन से इतना लगाव है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत लगाव है मुझे प्रसाद से। सो आलू पूड़ी खा के आ गया, नींद आ रही है गाइस मुझे, तो खा के आ गया और लेके नहीं आया, तो कल मुझे थोड़ा सा बुरा लगा यार, क्या महादेव मेरे लिए नहीं भेज सकते तो थोड़ा सा प्रसाद, बट कोई नहीं मेरी किस्मत में होगा तो खुद आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अब देखो लेट्स सी मुझे मिलेगा प्रसाद नहीं मिलेगा बताऊंगी आप लोगों को, बट अभी के लिए मैं थोड़ी कुछ सो जाती हूँ, फिर सो के उठेंगे फिर करेंगे लंच एंड लंच, फिर आपको पता ही है फिर तो ब्लॉग एंड होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ी सो जाती हूँ, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, उसको 4 बजे के अप्रॉक्स चली हुई हूँ मैं, तो सो जाती हूँ।
लंच का टाइम हो गया है, मतलब बेसिकली टाइम हो रहा है 12:30 का टाइम हो रहा है। मैं इसी टाइम लंच करती हूँ डेली। तो पता है क्या हुआ, अभी मैं सो गई थी ना, मैंने बताया था आपको सो जाऊँगी, सो गई थी तो मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड कॉलेज वाली, उसका फ़ोन आया मेरे को, अभी मम्मी बनी है, मतलब बहुत जल्दी 21 जुलाई में भी तो वो मम्मी बनी है, और आई एम सो हैप्पी फॉर हर जस्ट बिकॉज एक लाइफ का जर्नी उसकी कंप्लीट हो गई। मतलब कितना क्यूट बेबी है उसका, बट मैं उसे शेयर नहीं करना चाहती और वो भी नहीं शेयर करना चाहती पब्लिकली, देन सो कोई बात नहीं, बट उसको बहुत क्यूट सा बेबी है गाइस। अब सब उसके बेबी के लिए प्रेयर करो, उसका बेबी बहुत 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 आगे तक खिलखिलाता रहे, प्यार तो बहुत प्यारा हो, और भी ज़्यादा प्यार अब भी है और ज़्यादा प्यारा हो जाए, ठीक है। तो वो मतलब अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर रही थी, मतलब ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या हुआ, वार्डिंग के अंदर मतलब जो भी हुआ, उसे छोटे पेन वेन सब, मतलब उसने मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो यार मतलब बहुत दुख भी हो रहा था, उसको पेन हो रहा था इतना, बट खुशी थी कि भाई मेरा भांजा, भांजा ही कहते हैं ना मौसी के बेटे को, तो मेरा भांजा आ रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एंड आई एम सो हैप्पी मैं उसे मिलने नहीं गई गाइस अभी, क्योंकि वो अपने ससुराल में, कभी अगर आएगी वो अपने मायके आएगी जब जब मैं जा सकती हूँ, ठीक है। तो देखेंगे जब आएगी तब मिलेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो अपने ससुराल में, और अभी तो 1-1.5 महीने ससुराल रहेंगे, क्योंकि उसमें ताकि उसको ऑपरेशन से हुआ है, तो इसमें खैर ये सारी बात अलग। और अभी लंच का टाइम हो गया है, तो लंच कर लेते हैं, फिर ब्लॉग लंबा हो जाएगा, आप उसको कब करके देखोगे, तो अभी चलो जल्दी से लंच कर लेते हैं। लंच हो चुका है, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा, और ऐसी ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो बिकली बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।